नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 बड़ी खबरें। बिहार में 3 करोड़ खर्च का पुल बना विवाद का केंद्र, अप्रोच नहीं बनी। बिहार के अररिया जिले में 40 मीटर लंबा पुल बनकर खेत में छोड़ दिया गया है, जहां ना तो सड़क है और ना ही नदी है। इस लापरवाही से पुल का 3 करोड़ रुपए खर्च बेकार हो गया है और अब तक अप्रोच नहीं बनने पर विभाग के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही को लेकर चिंता जताई है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर लौटी भारत। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर भारत लौट आई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर हौसला अफजाई किया। 250 बच्चों को बंधक बनाए जाने वाली खबर को SP ने बताया अफवाह। बिहार के बेगूसराय जिले से एक खबर आग की तरफ फैली कि दबंगों ने 1 सप्ताह से निजी स्कूल में 250 बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। छात्रों के परिजन अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले पर बेगूसराय के SP मनीष कुमार ने अफवाह बताया है और कहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। वायनाड संकट स्कूल छात्र की चिट्ठी से भारतीय सेना को मिली संजीवनी। 30 जुलाई को केरल के वायनाड में आए भूस्खलन तबाही में बचाव कार्यों में जुटे भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक स्कूल के छात्र ने भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी ने भारतीय सेना का दिल जीत लिया। भारतीय सेना ने छात्र की सराहना की और उसकी भावना को सराहा। संदीप पौंड्रे को इस्पात सचिव किया गया नियुक्त। बिहार कैडर के IAS अधिकारी संदीप पौंड्रे को इस्पात सचिव नियुक्त किए गए हैं। 1993 बैच के IAS अधिकारी पौंड्रे वर्तमान में अपने कैडर राज्य बिहार में कार्यरत हैं। उन्हें इस्पात मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वायनाड आपदा को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करे सरकार, राहुल गांधी ने कहा। 30 जुलाई को केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद आई आपदा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, मुआवजा बढ़ाने और समग्र पुनर्वास पैकेज देने की मांग की है। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग के 10 लोग गिरफ्तार। खगड़िया में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के ठीक पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के परबत थाना क्षेत्र स्थित नया गांव से सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से पुलिस ने फर्जी आंसर शीट और प्रश्न पत्र भी जब्त किए हैं। किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है और ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की भारी कमी। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षकों की गंभीर कमी का सामना कर रही है, जहां 39 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 4 पूर्णकालिक संकाय ही उपलब्ध हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2010 में स्थापित इस विश्वविद्यालय को अब तक शिक्षक भर्ती में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में हरियाली तीज की धूम। देश भर में आज हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती मिले थे। इस दिन को शादीशुदा महिलाएं बेहद खास तरीके से मना रही हैं। बिहार में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें 2 सीटें बिहार की भी हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मल्लिका शेरावत ने साझा किया घर पर बिताए खास पल। मल्लिका शेरावत ने अपने लॉस एंजलिस घर की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो अपने डॉग के साथ धूप में खेलती नजर आ रही हैं। हाल ही में पेरिस वेकेशन से लौटने के बाद मल्लिका ने कहा है कि घर वापस आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। किसानों पर मेहरबान नीतीश सरकार। कृषि विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वर्ष की फसलों के अच्छा दान की जानकारी दी है, जिसमें धान, मक्का, अरहर और अन्य फसलों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आगामी खरीफ सीजन के लिए अनुदान योजनाओं, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और नवीनतम बागवानी योजनाओं की घोषणा की है। शेख हसीना भारत में है, यूरोप जाने की है संभावना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में अस्थायी रूप से ठहरी हुई हैं और उनकी यूरोप जाने की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूबुद्दीन खोकर ने भारत से अपील की है कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजा जाए।
जन सुराज और एनडीए के बीच होगा मुकाबला, प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जोरदार एंट्री की है और उनकी पार्टी जन सुराज को चुनावी ताकत के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनावी मुकाबला जन सुराज और एनडीए के बीच होगा और आरजेडी की ताकत को कमजोर बताया। डर्बी यूनिवर्सिटी के शोध ने महाद्वीपों की संख्या को 6 बताया। डर्बी यूनिवर्सिटी के नवीनतम शोध के अनुसार पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 नहीं बल्कि 6 है। स्टडी में पाया गया है कि 2 महाद्वीपों का विघटन आंशिक रूप से हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ये खोज भूगोल के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। पीएनबी के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 5 कर्मी निलंबित। रजौली पुरानी बस स्टैंड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा रजौली के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 5 बैंक कर्मी को गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड की निगरानी में पूरे मामले की जांच जारी है और जैसे जैसे बैंक कर्मियों की संलिप्तता इस गबन में सामने आ रही है वैसे वैसे सभी को निलंबित किया जा रहा है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है। पप्पू यादव का सवाल, मोदी को बांग्लादेश से इतना प्यार क्यों? पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बांग्लादेश संकट पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मोदी को बांग्लादेश से इतनी मोहब्बत है तो भारत में मुसलमानों और SC/ST के प्रति उनके रवैये पर सवाल उठते हैं। उन्होंने भारत और सरकार से बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का काउंटडाउन शुरू। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 से पहले चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेगा। ये दौरा चुनावी तैयारी के अंतिम चरण की पुष्टि करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यवस्थाएँ समय पर पूरी हों। सलमान खुर्शीद के बयान पर हंगामा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बांग्लादेश जैसी घटनाओं की संभावना भारत में जताने वाले भारत पर भाजपा ने हंगामा खड़ा कर दिया है। भाजपा के प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि खुर्शीद का बयान हिंदुओं को उकसाने की कोशिश हो सकती है। विनेश फोगाट की अयोग्यता पर पीएम मोदी ने IOA से मांगी जानकारी। भारत के लिए बुधवार का दिन बड़ा झटका लेकर आया है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल पक्का कर फाइनल में एंट्री करने वाली विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस पर पीएम मोदी ने IOA से इस मामले पर सख्त आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने IOA की अध्यक्ष PT Usha से बात कर जानकारी मांगी है। डेल ने 12,000 से ज्यादा कर्मियों को दिखाया बाहर का रास्ता। अमेरिका बेस्ड टेक जायंट डेल ने हाल में घोषणा की है कि वो फिर से एक बार कुछ कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। सामने रिपोर्ट ये बताती है कि डेल का बड़े स्तर पर इस निर्णय की वजह से कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। UPI पर क्रेडिट से हर महीने 10,000 रुपए का लेन देन दर्ज हुआ। भारत के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म UPI पर क्रेडिट लेन देन हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इनमें से 100 से 200 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन ऑन UPI सेवा के माध्यम से होते हैं जबकि बाकी लेन देन रुपए क्रेडिट कार्ड से किए जाते हैं। नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शानदार अवसर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस के 3,317 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nitplrrc.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ढाका में फंसे भारतीय उच्च आयोग के 190 कर्मचारी लौटे देश। बांग्लादेश में चल रही उठापटक के बीच भारत सरकार ने ढाका में भारतीय उच्चायोग और दूतावास में तैनात गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारत वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने एडवाइजरी भी जारी की है। 15 अगस्त को मेरे स्थान पर अतीसी फहराएंगी झंडा, केजरीवाल ने कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK Saxena को पत्र लिखकर सूचित किया है कि 15 अगस्त को उनकी अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री अतीसी मार्लेना ध्वजारोहण करेंगी। केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। WHO के अनुसार भारत में रेबीज से सालाना 20,565 मौतें। भारत में कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है जिससे चिंता बढ़ गई है। WHO के अनुसार भारत में सालाना 20,565 मौतें होती हैं जो वैश्विक आंकड़े का 35% है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि 2023 में कुत्तों के काटने के मामले में पिछले 3 सालों में सबसे अधिक रहे हैं। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया 600 किलोग्राम से कम वजन वाली मिनी ट्रक।
टाटा मोटर्स 600 किलोग्राम से कम वजन वाले मिनी ट्रक लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य कुशल अंतिम मील डिलीवरी समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से इस वाहन की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। BSNL ने पूरे देश में 15,000 नए 4G टावर्स लगाए। BSNL ने देश भर में 15,000 से ज्यादा नए टावर लाइव कर दिए हैं। ये कदम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत उठाया गया है, जिससे सुपर फास्ट कनेक्टिविटी की सुविधा और बढ़ेगी। इस पहल के साथ BSNL ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पर दी सफाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से जुड़े सवालों का जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के द्वारा गरीबों के खाते पर पेनल्टी नहीं वसूल की जाती है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।